वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर टेक फैमिली के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो मैं आपको IIT के बारे में और जो डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स हैं और जो PCM के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। आप सभी के एग्जाम हो चुके हैं और उनको एनालाइज करके, काफ़ी स्टूडेंट से डिस्कशन करके, काफ़ी टीचरों से पूछ के फिर मैं आपके लिए एक कट ऑफ लेके आया हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा स्टिक मैंने कट ऑफ लेके आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया मैंने आपके इस कट ऑफ के लिए। तो ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में भी मिलते रहे। और साथ में लाइक शेयर और कमेंट करना कभी मत भूलना, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उनसे आने वाली वीडियोज के अंदर मुझे भी हेल्प होती है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो मैं कट ऑफ लेके आऊँ वो 99% स्टिक कट ऑफ हो सकती है, और अगर आपको ये लगे, अगर इसके अंदर कुछ आपको मिस्टेक लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और जो मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ वो IIT वाले स्टूडेंट्स को जो फाइनल मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ और PCM के फाइनल मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जहाँ BTEC और डिप्लोमा स्टूडेंट्स की भी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो इससे पहले हम एनालाइज कर लेते हैं जो हमारा पेपर था वो किस तरीके से था। तो सबसे पहले मैं जो असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन जो पेपर था उसके अंदर उन्होंने टोटल वैकेंसीज है वो बाद में अपलोड हो चुकी थी। बाद में उन्होंने बताया था कि इसके अंदर वैकेंसीज है वो हमारी 64,037 इसके अंदर पोस्ट है, मतलब आपको इसके अंदर 64,037 वैकेंसीज मिलेंगी। अब आपको पेपर टू के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप जो 15 उसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जितनी वैकेंसी है। तो मतलब 64,037 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो हमारा तकरीबन 9 लाख के तकरीबन काफ़ी इतने स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट होंगे पेपर टू के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी रकम है, इसमें आपको देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तकरीबन आप मान सकते हैं 10 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं पेपर टू के लिए। अब यहाँ पे जिन्होंने अटेंड किया था, कितने स्टूडेंट्स जिन्होंने ये असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसको अटेंड किया था, जहाँ 30 लाख स्टूडेंट्स ने, मतलब 30 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उन्होंने कंडक्ट किया था और उसमें अपने जो पेपर दे के आए हैं। तो अब इन्होंने क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इन्हीं 30 लाख स्टूडेंट्स के बेस पे बता रहा हूँ, और 76.76% स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मतलब 100% में से इतने स्टूडेंट्स ने असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम दिया है। अब इसके अंदर आपको पता है कि भी IIT डिप्लोमा और PCM के स्टूडेंट्स हैं। PCM मींस आपके प्लस टू के स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने प्लस टू करके वो भी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते थे, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर IIT और डिप्लोमा और BTEC स्टूडेंट्स की पहले बात कर लेते हैं भी उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। और जहां आप IIT का अगर मान के चलेंगे तो IIT की जो मैं आपको लिए कट ऑफ बता रहा हूं उससे कम ही मान के चलिए, क्योंकि IIT की कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इसमें एग्ज़ाम दे रहे थे उन्होंने बहुत ही कम अटैम्प्ट किए हैं जहाँ तक मैंने पता किया है। और जहाँ डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा लेवल है, इससे ज़्यादा जो लेवल आपको देखने को मिलेगा वो PCM में देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। जहाँ सबसे पहले अगर आप बात करेंगे UR, मतलब जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो 35 से 40 रहने वाली है, मतलब इतने मार्क्स अगर आप जनरल स्टूडेंट्स है अगर वो ले आता है सीजनल लोको पायलट के पहले पेपर के अंदर तो पेपर टू के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये 100% है कि आप इतने अगर मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपका ओबीसी है कि आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा पेपर टू के लिए। अब OBC का कोई स्टूडेंट्स है तो वो 30 से 35% अगर उसके मार्क्स आते हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा पेपर टू के लिए। हो सकता है SC का जो स्टूडेंट्स है उनको 29 से 32 अप्रोक्सीमेटली इतने ही मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और ST को 25 से लेके 30 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो ये जो कट ऑफ थी ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए थी, और IIT वाले स्टूडेंट्स को मैं अगर बताऊं तो इनमें आप -5 कर दीजिए, सॉरी ये प्लस लिख दीजिएगा, -5 कर दीजिए तो आपकी जो IIT स्टूडेंट्स है वो इसके बेस पे उनकी सिलेक्शन हो जाएगा पेपर टू के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जो PCM के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब बात आती है PCM के स्टूडेंट्स, मतलब प्लस टू के स्टूडेंट्स, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, काफ़ी अच्छा उनका जो लेवल रहा है और जो इन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स इन्होंने कहाँ पे किए हैं, तो उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जा रही है, इसी कारण कि उनका जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा हाई है। और जो यहाँ तक आपको बताऊँ कि मैं IIT के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसके बाद डिप्लोमा और उसके अंदर है, उसके बाद हमारे PCM के अंदर है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, हमारी वैकेंसीज कम है PCM के अंदर, इसलिए यहाँ पे जो कट ऑफ भी है वो थोड़ी हाई जाने वाली है।
ठीक है, तो जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का अगर आप देखेंगे 53 से अप्रोक्सीमेटली 56 के बीच में रहने वाली है, जहाँ ओबीसी की अगर आप देखेंगे तो 50 से 53 के बीच में रह सकती है, और एससी और एसटी की 47 के अप्रोक्सीमेटली हमारी रह सकती है, ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो ये अगर इसके प्रोक्सी मान के चले आपके 53% मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप ओबीसीली सिलेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, या फिर आपको जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आपके लिए एक सीट बुक हो जाएगी। तो ये मैंने काफ़ी सारी जगह देखी थी, और वाईफाई स्टडी है उन्होंने काफ़ी अच्छी कट ऑफ दिखा रखी है, लेकिन उन्होंने कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा दिखाई है। मैं आप सभी के लिए जो भी पता किया है तो काफ़ी स्टूडेंट ने बताया कि इतने मार्क्स तो किसी के आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो अगर आपको और किसी तरीके का डाउट लग रहा है, आपको अगर इसमें कट ऑफ के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बताया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आने वाली वीडियो के अंदर, क्या पता हम उसके के लिए कुछ ऑब्जेक्शन करके दोबारा से उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके की अपडेट के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।